हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज घोष अब सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस लॉकडाउन का 1.5 महीना यानी 45 दिन हो चुका है। हम सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आने वाला दिन कैसा होगा, हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आज एक छोटा सा इस टॉपिक में आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगा जो काफ़ी समय से मेरे मन में था, जिससे हम लोगों को ये रास्ता मिलेगा कि हम लोग अपने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े और जो भी मुश्किलें हैं हमारे लाइफ में उसका हल कैसे निकालें। तो जिस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा वो ये है कि आज से कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़े कलाकार हम लोगों को छोड़ के चले गए। वो है इरफान खान, जो सिर्फ 53 ईयर्स की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए। वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में माने जाते थे उनके एक्टिंग के वजह से। आज उनका फैन सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में था। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज उनकी ज़िंदगी के बारे में दो चार पहलू है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। 1967 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने पहले एक्टिंग करने का नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था उनको क्रिकेटर बनना है, लेकिन वो क्रिकेटर नहीं बन पाए क्योंकि उनके परिवार में पैसे की कमी थी। तो उसके बाद उन्होंने एक्टिंग करने का सोचा और उनको 21 साल की उम्र में पहला एक्टिंग का रोल मिला। वो सलाम बॉम्बे बोल के एक मूवी था जो क्रिटिकली एक्लेम्ड एक मूवी था। उस मूवी में एक छोटा सा रोल उनको करने को मिला तो उनको लगा कि अभी तो अच्छा है, मुझे 21 साल की उम्र में ये रोल मिल गया, अभी मेरी ज़िंदगी दौड़ पड़ेगी, पटरी पे आ गई है, अभी कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन वहीं से समस्या शुरू होने लगी और उनको 21 साल के उम्र में जो रोल मिला था उसके बाद उनको कोई काम नहीं मिला। हम हर कोई जानते हैं वो बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन उनको कोई काम नहीं देता था। 21 साल के उम्र से उन्होंने स्ट्रगलिंग करना चालू किया, उनका स्ट्रगल शुरू हुआ और ये चलता रहा 15 साल, मतलब 36 साल तक। जब उनकी उम्र 36 साल हो चुकी थी तब भी उनको कोई काम नहीं मिलता था और 36 साल के उम्र में 2003 में जाके उनको पहला ब्रेक मिला जो मकबूल बोल के एक मूवी आया था, उनपे उनको एक ढंग का रोल मिला, वो भी 15 साल के बाद। और 2003 के बाद उनको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, वो आगे बढ़ते गए और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। और आज इंडिया में उनसे ज्यादा कोई हॉलीवुड का फिल्म या कोई इंग्लिश मूवी में इतना बड़े पैमाने में कोई रोल नहीं किया है। तो आज मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि आज इरफान खान का सक्सेस हर कोई देखता है, उनके रुतबे रुतबे को हर कोई देखता है, कितने अच्छे एक्टर है ये हर कोई देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि उनको भी 15 साल कड़ी मेहनत कड़ी लगन से स्ट्रगल करना पड़ा था। उनको भी सफलता एक दिन में प्लेट में परोसा नहीं गया था, उनको भी मेहनत करके स्ट्रगल करके ही इस मुकाम तक आना पड़ा था। मैं यही कहना चाहता हूं कि 15 साल उन्होंने धैर्य धरा था, उनमें वो क्षमता थी, वो मेहनत करते गए, इसीलिए आज इरफान खान बना। हम बहुत सारे लोग हैं जो आज 1.5 महीने में ये सोच नहीं पा रहे कि क्या करना है क्या करेंगे, और उन्होंने 15 साल कड़ी मेहनत से ये लगन में काम करते रहे, लगन से काम करते रहे। उनको सक्सेस मिले ना मिले उनको कुछ फर्क नहीं था, वो अपना काम करते गए। लेकिन कहावत है, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। उनको भले ही 36 साल के उम्र में जाके सफलता मिला, लेकिन उन्होंने 36 साल के उम्र में भी काम करना चालू करके 17 साल के अंदर, जब वो 53 साल की उम्र में गुजर गए, उन्होंने दुनिया में अपना नाम बना चुके वो अपना नाम बना चुके थे। उनको पद्मश्री अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका था। वो आज इस मुकाम तक चले गए थे कि आज वो दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद भी इंडिया में नहीं दुनिया में करोड़ों लोग उनकी नाम की माला जप रहे हैं। आज जब वो दुनिया छोड़ के चले गए उस दिन इंडिया के साथ पूरा दुनिया रोया। आज सोशल नेटवर्क में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मैं हर एक जगह देख रहा था, सभी जगह पे इरफान खान उनका ही फोटो घूम रहा था। तो सोच के देखिए, एक इंसान इतना नाम कमा के गया कि वो चले जाने के बाद भी लोग उनको याद रख रहे। मैं यही चीज कहना चाहूंगा जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि आपके जिंदगी में भी मौका है, आपके पास भी डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्किंग है, स्मार्ट वैल्यू है, जिसके जरिए आप भी अपने जिंदगी को बदल सकते हो, अपना नाम कमा सकते हो। ऐसा कुछ करके जाओ, जब आप ना रहो तो करोड़ों लोग नहीं चाहिए, आपके परिवार वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले, वो तो आपका नाम ले, वो तो आपका नाम याद करे और खुशी खुशी करे, अच्छे से करे।
ऐसा कुछ करके जाना है, ऐसा कुछ बनना है, तो रास्ता चाहिए होता है। वो रास्ता है स्मार्ट वैल्यू, वो रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग, वो रास्ता है नेटवर्किंग। इसको फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए, लगन से कीजिए और धैर्य रखिए, क्योंकि इरफान खान भी एक दिन में नहीं बना। 15 साल का स्ट्रगल करने के बाद एक इरफान खान इरफान खान बनता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे, धैर्य धरेंगे, तो आपको भी सफलता मिलेगी। आपके साथ ये स्मार्ट वैल्यू सिस्टम, ये पूरा परिवार, स्मार्ट वैल्यू पूरा कंपनी आपके साथ है। तो मैं आप लोगों के साथ अभी विदा लेना चाहूंगा, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।